पिछले 15 मिनट से गाइस जगह चल रही है बिल्कुल खाली सुनसान। तो गाइस यहाँ से मुंह हाथ धोते हैं फिर निकलते हैं आगे, क्योंकि बहुत थक गए हैं, आंखों में नींद दिखती है और फेस के भी बैंड बच चुकी है इसमें पूरी। तो मुंह हाथ धोते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से आगे। इस चौक से, इस पुल से दो रास्ते होते हैं, एक लेह के लिए, एक पेंगोंग लेक के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं हुंडर के लिए, बस देखते हैं कहाँ पहुँच पाते हैं। जय माता दी। पिछले 15 मिनट से गाइस इस ये जगह चल रही है बिल्कुल खाली सुनसान पूरी, मतलब रिवर का ये मजा, रिवर का एरिया जो छोड़ा हुआ, पहले यहाँ भी पानी हुआ करता लेकिन अब रिवर काफ़ी नीचे चली गई है और ये जगह खाली हो गई है बिल्कुल। शानदार लोकेशन है गाइस, बहुत शानदार है ये लोकेशन। उसमें दोपहर के हो गए हैं, 2:30 बज चुके हैं दोपहर के गाइस, और नूपुरा रह गए यहाँ से कोई अप्रोक्स 40 या 45 के आसपास बता रहा हूँ मैं, यानी कि 1.5 घंटे का रास्ता है रोड अगर ऐसा रहा तो। खतरनाक होते हैं ये, बहुत ज़्यादा लैंड स्लाइड एरिया है यहाँ पे, ये देखिए एकदम से रेता नीचे आ सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे एरिया पे ज़्यादा देर खड़े मत हो, ये देखो कितना आया एकदम से ना, ओए ओए, और रेता भी इतना ऐसा है कि आपका टायर एकदम से स्किट हो जाएगा, चलेगा ही नहीं, घूमेगा नहीं, बहुत ही खतरनाक होती है ऐसी लोकेशन। ये देखिए यहाँ से रेता खाली कर दिया ले जा ले जाके, ये पहाड़ी पूरी रेता का ही है भाई साहब। और अपने बंदे खड़े हैं यहाँ पर, खलसर है यहाँ से 5 किलोमीटर, टोटो डिस्ट्रिक्ट हुंडर, ये रास्ता है खारदुंगला से। तो क्या दीक्षित है यहाँ से 26, हुंडर है यहाँ से 33 और तोश है यहाँ से तोइजी 58, चालुंग कक्का 101 और टोटुक 116 किलोमीटर भाई साहब। और खारदुंगला है यहाँ से 20 किलोमीटर, नॉर्थ पुल्लू 40 किलोमीटर, खारदुंगला टॉप है जो 53 किलोमीटर है इस यहाँ से, साउथ पुल्लू है 67 किलोमीटर और ले है 92.7 किलोमीटर। हाय, हाँ जी, या आई एम कमिंग फ्रॉम पेंगोंग लेक। रोड इज ग्रेट, लिटल बिट ऑफ रोडिंग एंड लिटल बिट पैच आई थिंक सो 50 to 100 meter और 1 meter या 1 kilometer पैच इज ऑफ रोडिंग लाइक नो एनी रोड, या इट मैनेबल, नॉट एनी डिफिकल्ट टू यू। सो आर यू गोइंग टू लेह और नूबरा? दैट्स ग्रेट, या दिस इज फॉर खारदुंगला टॉप राइट? ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। आई एम फ्रॉम हिमाचल प्रदेश एंड नो हिमाचल, या हैदराबाद। ओके ग्रेट मैन, योर गुड नेम? सॉरी प्रनीत, 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 आई एम विशाल। ओके एंड योर टीम विद यू राइट? आर यू कनेक्टेड विद द? ओके बट बाय बाय, टेक केयर। सो ये मिले थे हैदराबाद से आए कुछ पर्सन अपने, ये अपने पंजाबी बंदे भी बैठे हैं यहाँ। कल जाएंगे सुबह इसी रूट से वापस हम खारदुंगला के लिए, खारदुंगला टॉप, फिर लेह उतर जाएंगे वहाँ से नीचे उतर से। खलसर रह गया गाइस यहाँ से 3 किलोमीटर सिर्फ। सो गाइस आपको एक ज्ञान की बात देता हूँ, अभी क्या है लद्दाख में इनर लाइन परमिट खत्म हो चुका है, सिर्फ हानले और तुसमोरी लेक का ही परमिट बन रहा है, चेक करते हैं अदरवाइज मुझे लग रहा है अभी कहीं का परमिट नहीं चेक कर रहे, खारदुंगला का, नूपुरा का, पोंगोंग का, डिस्ट्रिक्ट का और हंडर का, अब कहीं का परमिट नहीं बन रहा है। सिर्फ पहले तो हर जगह का परमिट बनाना पड़ता था आपको, जो जो आपको लोकेशन जाना है तो वहाँ वहाँ की आपको सारी डालनी होती थी कि हम यहाँ यहाँ जाएंगे, तो अब परमिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिना परमिट की आप जा सकते हो सिर्फ हानले और तुसमोरी को छोड़कर। तो हम देख लीजिए अभी कहीं भी हमने परमिट चेक नहीं किया, ना हमसे किसी ने पूछा परमिट, इलेन परमिट किसी ने नहीं पूछा हमसे भी। खलसर हम पहुंच चुके हैं, ये है खलसर टाउन। तो यहाँ पे देखिए कितनी टूरिस्ट की गाड़ियाँ रुकी हुई हैं और सारे रेस्टोरेंट फुल ही लग रहे हैं मुझे सब के सब। ओहो नूपुरा राफ्टिंग, यहाँ पे गए राफ्टिंग भी होती है, राफ्टिंग पॉइंट है काफ़ी सारे, हाँ राफ्टिंग होती है यहाँ पर और सारे रेस्टोरेंट फुल ही हैं, हर जगह टूरिस्ट बैठे हुए हैं, ये भी फुल है। तो अभी आ गया है खलसर, कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं गाइस ये मोनिस्ट्री। हाँ जी क्या हुआ? सीधा गया नूपुरा के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए सीधा नूपुरा के लिए, वहाँ से घूम के वापस आके चलते हैं।
इधर इधर आए नूबरा, इधर है सीधा, लिखा नहीं हुआ ना, मैं पूछ के आता हूँ, रुको जरा तुम। पेट्रोल भरो, पेट्रोल पेट्रोल नूबरा के लिए रास्ता सीधा था, यही नूबरा वैली। नूबरा वैली तो वहाँ खड़ा हूँ ना, सीधे नूबरा वैली। कल अब किस से जाना है, जिसकी ढूंढ रहा जाना की नहीं जाना। तो नूबरा वैली के नाम से कोई प्लेस नहीं है, नाम ही नाम है। नाम तो ये इलाका जब खरदोंगला क्रॉस किया, हां ये सारा नूबरा वैली शुरू हो गया। तो ये पहने में क्या आएंगे, यहाँ से पहने भी आएगा, यहाँ से जाएगा हुंडा डिस्किट आएगा, ठीक है, तुरतुक आएगा। तो आगे यहाँ से कुछ जाने का फायदा है देखने का, कुछ हॉट स्प्रिंग है पनामिक में जाएगा, तो बाकी तो कुछ नहीं पनामिक में है ना, इससे बढ़िया यही चलते हैं फिर, ये अच्छा रहेगा ना, ठीक है थैंक यू। आगे कैंप साइड है नूबरा, मतलब कि नूबरा नाम से कोई जगह नहीं है, ये पूरी वैली है नूबरा वैली। हाँ ये नूबरा वैली सारी शुरू हो गई है ये। हाँ तो चलते आगे पैनामिक है बस लास्ट, वो आगे सियाचिन को निकलता रास्ता भी यही आगे सियाचिन ग्लेशियर के लिए। पेट्रोल भरवाना है, आते भरवाएंगे जाना, वैसे राउंड मार के आना आगे, एक यहाँ तक का जाते थोड़ा आगे देख के, सियाचिन नहीं जाने देंगे, ग्लेशियर है सियाचिन के नाम से, वहाँ तो आर्मी जाती बस ये आगे। कहाँ पे, हाँ चलो चलो चलो, खलसर से आगे आपको यहाँ पे एक पेट्रोल पंप मिलेगा, खलसर से नीचे उतरते ही जहाँ पे चौक भी है, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट के लिए ये सीधा गया पैनामिक के लिए, इस रास्ते से इधर सीधा जाओगे पैनामिक निकल जाओगे, खलसर की साइड से इधर जाएगा डिस्ट्रिक्ट होंडर के लिए, और तुरतुक के लिए रास्ता जाएगा इस साइड से। तो ओके कैंप साइड कहाँ है नूबरा वैली की, जो कैंप साइड है इधर है, ये हुंडर में है सर। अच्छा हुंडर में ही है, ओके ओके ओके, ये बात हुंडर है। अच्छा इधर पैनामिक है, ये पैनामिक और सियाचिन जो कल खुला हुआ ना वो, अभी सियाचिन जा सकते हैं हम, सियाचिन दूर है सर, नहीं जाने देंगे, हमें जाने देंगे सियाचिन, सियाचिन सोच रहे वहाँ भी जा ही आते, हाँ इधर चलते कल, इधर घूमते हुए कल इधर चले जाएंगे। चलो ठीक है जी, ओके। तो क्या इधर सियाचिन है और इधर अपना डिस्ट्रिक्ट होंडर टुकटुक, और ये पेट्रोल पंप है यहाँ पर, पूरा डेजर्ट है गाइस, पूरा डेजर्ट, और डिस्ट्रिक्ट रह गया यहाँ से 12 किलोमीटर पूरा। तो डिस्ट्रिक्ट पहुँचते हैं और यहाँ पे कैमल राइड भी होती है और एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी काफ़ी होती हैं वहाँ पर, सामने लगे हुए हैं ADB वगैरह, लोग कर रहे हैं काफ़ी। व्यू देखिए कितना शानदार आ रहा है नूबरा वैली का, ये नीचे सारी नूबरा वैली शुरू हो चुकी है, ऊपर भी जाने का रास्ता है। क्या बात है, क्या बात है। सो गाइस आगे लग गया जाम, आर्मी के ट्रक आ रहे थे ऊपर से, तो आगे से फंस गई गाड़ी, तो आगे जाना तो मुश्किल हो जाएगा। लास्ट ट्रक बचा है गाइस, एक और है इसके पीछे, तीन है ना बस, तीन निकल गई लास्ट है फिर तो, ये चलो निकलते हैं आगे। लो जी खुल गया जाम, कंप्यूटर चेक है, कंप्यूटर क्या क्या कह रहे, हिंदी आती है, आती है आती है, अच्छा अच्छा फिर तो बढ़िया है। चलो एक बार बाय बाय कर दो, हाय कर दो, बाय 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 बाय, हाँ हाँ ये लिखा हुआ, क्या लिखा है, हम सब सब्सक्राइब करेंगे, करो करो हिम बाइकर विशू, ठीक है। गाइस पहुंच चुके हैं हम डिस्ट्रिक्ट में, देखते हैं अभी अपने बाबा जी कहाँ रुके हैं, बाबा बाबा जी यहाँ रुके हैं हमारे, तो हम भी अपनी बाइक यहीं लगा देते हैं। और सामने ऊपर है डिस्ट्रिक्ट मिनिस्ट्री, जल्दी उठते
गाइस अभी हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे ऊपर मोनेस्ट्री डिस्ट्रिक्ट मिनिस्ट्री रोड्स के बाद जाएंगे हम सारे अपना हुंडर के लिए। अभी अभी क्या हुआ था, गाड़ी फिर से गिर गई थी खड़े खड़े और इसका जो लीवर है वो टेढ़ा हो गया थोड़ा सा। चलो कोई नहीं, वो हम सही करवा लेंगे इसको जाके अपना ले या हुंडर में ठीक हो जाएगा। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी काम कर रहा है, हल्का सा बेंड हुआ है ये लीवर। सो गाइस दिख रही है आपको बुद्धा जी की मूर्ति ऊपर सबसे ऊपर है वो देखिए। तो अभी हम वहीं जाएंगे ऊपर, हम आया डिस्ट्रिक्ट मिनिस्ट्री बट ऊपर अभी जा नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत थके हुए हैं। तो बुद्धा जी के स्टैचू का दर्शन यहीं से कर लीजिए। तो ये है डिस्ट्रिक्ट मिनिस्ट्री, तो ये देखिए आप। और बहुत ज़्यादा रश है ऊपर, बहुत ज़्यादा रश है और यहाँ पे एंट्री के भी ज़्यादा पैसे हैं। ये देखिए टूरिस्ट की गाड़ियाँ आ ही रही हैं। तो ये है गाइस स्टैचू। तो ऊपर भी शायद जाने की फ़ीस है कुछ, यहाँ पे ड्रोन आने की शायद 1000 रुपये समथिंग कुछ ऐसा। चलो अपन निकलते हैं फिर आगे, ऊपर तो हमने जाना नहीं है, अभी जाएंगे तो रुक के जाएंगे किसी टाइम, अच्छा टाइम निकाल के। सो गाइस ये है स्टैचू और बहुत ही काफ़ी साल पुराना, कम से कम 1000 साल से पुरानी मिनिस्ट्री है ये स्टैचू। तो वैसे अभी बना है, 4-5 साल हुए होंगे, काफ़ी पुरानी है गाइस। और ये स्टैचू अभी बनाया गया है, कुछ ही साल हुए इसको बनाए को। और ये जो मिनिस्ट्री कम से कम 1000 साल से ऊपर पुरानी मिनिस्ट्री है, ये काफ़ी पुरानी मिनिस्ट्री है। हम आ गए अभी नीचे डिस्ट्रिक्ट मिनिस्ट्री से। तो ये जो बुद्धा का स्टैचू लगा है 106 फीट ऊंचा स्टैचू है बुद्धा का और ये काफ़ी फेमस मिनिस्ट्री है, बहुत से आपने देखा ही होगा वीडियो में। वहाँ पर काफ़ी सारे लोग गए थे बट हम ऊपर नहीं गए, ऊपर फिर आएंगे तो खुला टाइम लगेगा क्योंकि हमें निकलना अभी हुंडर के लिए। हुंडर यहाँ से 8 किलोमीटर ज़्यादा दूर नहीं है बट लेकिन हम चलने की हालत में नहीं थे कि ऊपर चढ़े, 100-200 मीटर ऊपर चढ़े और फिर जाके थक जाना था हमने ऊपर। और यहाँ से दर्शन कर लीजिए मूर्ति के, वो देखिए यहाँ से भी दिख रही है मूर्ति बुद्धा जी की। अभी हम आ गए डिस्ट्रिक्ट की मेन मार्केट में, यह है डिस्ट्रिक्ट की मेन मार्केट। और मैं ढूंढ रहा हूँ एक मैकेनिक की शॉप, बिकॉज मेरा जो बाइक गिरी उसकी वजह से ये लीवर थोड़ा टेढ़ा हो गया, क्लच वाला नीचे को हो गया बल्कि ऊपर को होना चाहिए, तो उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम आ रही है गियर को डालने में, बाकी सब ओके है। और चैन भी टाइट करवानी है मुझे, तो अभी हम ढूंढ रहे हैं एक बाइक मैकेनिक, मुझे दिखा नहीं अभी तक रोड पर, तो कोई बंदा बताता नीचे है बट है ही नहीं कोई, यहाँ पर नीचे भी नहीं है। आ जाओ आ जाओ। तो ये मैडम हमें फिर से मिल गई है। तो गाइस हुंडर रह गए यहाँ से सिर्फ 7 किलोमीटर, पहुँच गए हैं सैंड ड्यूज। यहाँ रेगिस्तान के टीले बने हुए ऐसे लग रहा है ये रेगिस्तान ही है गाइस, रेगिस्तान वाली फील आ रहा पूरा ही, देखिए रेगिस्तान जैसे सैंड ड्यूज बने हुए हैं छोटे छोटे टीले बने हुए हैं रेगिस्तान जैसे। यहाँ पर होती है कैमल राइड भी होती है यहाँ पर। नाउ वी आर रीच्ड एट हुंडर, तो ये है हुंडर और अभी हम जाएंगे इधर। तो गाइस हुंडर पहुंच चुके हैं और चौक पे खड़े हैं अभी हम यहाँ पर। यहाँ से तोजी है 15 किलोमीटर, चमन गरमार है अपना 45, तुरतुक है 77 किलोमीटर। तुरतुक यहाँ से गाइस हुंडर से 77 किलोमीटर है ऑलमोस्ट, यहाँ से यानी 2-2.5 घंटे का रास्ता है यहाँ से। वैसे जा सकते हैं पर ये नाइट राइड करेंगे नहीं, अपने कुछ भाई बंधु मना करते हैं। नाइट राइड करनी है, नाइट राइड नो, तो हम नाइट राइड नहीं करेंगे। बुलेट लेकर 650 है ना ये, 550 350। वसुंधरा, ओके ग्रेट ग्रेट जॉब। तो अब क्या करना है भैया, आपने यहाँ घूमना है? कैमल राइड के लिए तो यही रास्ता इधर जाके ऐसे है। आप लोग चल रहे हैं कैमल राइड के लिए? अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे स्टे ढूंढेंगे उसके बाद आएंगे हम। फिर मैं निकलती हूँ। ओके बाय बाय। और अभी बंदों ने ढूंढ लिया अपने, वरुण ने ढूंढा एक होटल जो कि पड़ रहा है हमें 1700 में 5 लोगों के लिए रूम, उसमें 5 बंदे सो जाएंगे, 3 बंदे सोएंगे बेड पर, 2 सो जाएंगे नीचे, बाकी देखते हैं अभी कैसा है। मैंने देखा नहीं, इन्होंने देखा हुआ रूम, एक बार जाके चेकआउट कर लेते हैं कैसा है। गाइस हम नूबरा वैली में है और नूबरा वैली में हम हैं हुंडर में भी। अभी रुके हम गाइस वचन गेस्ट हाउस, वचन वचन होगा वचन, वचन गेस्ट हाउस है ना ये, वचन गेस्ट हाउस गोल्डन रेस्टोरेंट नूबरा वैली हुंडर में। तो इस वहाँ उतारते हैं फिर आपको फ्रेश होकर मिलते हैं गाइस और देते हैं होटल का रिव्यू, थोड़ा बताते हैं होटल कैसा है ये। तो गाइस ये है अपना रूम, क्या बात है जी, क्या बात है, बढ़िया। और ये है वॉशरूम और ये है हम
बढ़िया है जी, दो बंदे नीचे सो जाएंगे और बाकी मैं नीचे सो जाऊंगा, बाकी तीन ऊपर सो जाएंगे। चलो ठीक है, खाना खाने के लिए ये अपना डाइनिंग हॉल, यहाँ बैठ के हम खाना खाएंगे। बढ़िया है, वाईफाई ऑन करवा दिया मैंने, वाईफाई ऑन करवा दिया है। क्यों क्या करूँ वाईफाई का, मैं अच्छा फोन नहीं है। सो गाइस, रात को आपने देखा होगा हम पहुंच चुके थे कहाँ, हंडर पहुंच चुके थे और हमने ले लिया यहाँ पे होम स्टे। होम स्टे का नाम है वचन गेस्ट हाउस, वचन गेस्ट हाउस में रुके हुए हैं। और गाइस, जो रात की वीडियो थी हम क्लोजिंग करना भूल गए थे, तो पहले करते हैं गाइस वीडियो क्लोज। ये हमारा कुछ गेस्ट हाउस, देखिए अभी तो मैसी हो गया पूरा ये, साफ सुथरा रखा हमने। फिर भी यहाँ सोए थे मैं और वरुण, ऊपर सोए थे अपने शीतल भाई, और ये आगे हैं ये। Good morning. तो गाइस वीडियो को रखते यहीं तक, अब मिलेंगे आपसे, यहाँ से जाते हैं जाएंगे हम हंडर से जाएंगे तुरतुक का एपिसोड यहीं से करेंगे शुरू। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करें। पानी आगे सभी की चैनल को चेक कर लें, सब्सक्राइब लाइक शेयर सब कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दें। तो ये चीज है गाइस, तो कमेंट भी जरूर करें। तो कल का जो एपिसोड देखा होगा आपने, डिस्ट्रिक्ट से देखा होगा, खल से देखा होगा, हंडर तक का जो भी होगा आपको कर देंगे। ये हमारी सखी जी गर्म पानी पीते हुए, इनको ठंड लग गई है थोड़ी, इसकी थोड़ी बैंड बजी हुई है, बैंड बजी है, बॉडी का पेन हो रहा है बॉडी में, ये देखो पट्टी बांधनी हाथों में हो रहा है भाई। 1000 किलोमीटर कर लिया है, 1000 किलोमीटर करा दिया, 1000 किलोमीटर से ऊपर चला लिया गाड़ी, हां साढ़े एक है यार। तो गाड़ी गाइस वीडियो रखते हैं तक, अब मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे यहाँ से अच्छे सीन दिखेंगे आपको। हम जाएंगे हंड्रेड तुरतुक, या देखते हैं हंड्रेड से वापस निकलेंगे या तो ले बाया खुरदुंगा होगी, जो भी होगा नेक्स्ट क्लिप में आपको पता लग जाएगा। ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना, राइड हार्ड, राइड सेफ एंड ऑलवेज वेयर हेलमेट, बाय बाय।